नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं स्टूडियो पाठशाला, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आंसर के आने के बाद बहुत सारे बच्चे बस एक ही कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हमारा इतना मार्क्स आ रहा है, हमें एडमिशन मिलेगा कि नहीं, हमें इस विश्वविद्यालय में इस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन मिलेगा कि नहीं। आप सभी को पता है कि सीयूटी यूजी का एक विवादित आंसर की आ चुका है। विवादित इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारी गलतियां देखने को मिली है। खैर, यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि वो रिवाइज आंसर की देगा आप सभी को, शायद वो आ भी चुका है, वो ओपन नहीं हो रहा है, कुछ समय में ओपन होने लगेगा तो आप लोग मिला लीजिएगा। लेकिन अब आपको आइडिया तो लग चुका है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो फाइनली आज इस वीडियो में हम लोग हर एक यूनिवर्सिटी का हर एक कोर्स का एक साथ कट ऑफ देखने वाले हैं। आई थिंक ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा जिसमें एक ही वीडियो में किसी भी कोर्स का कट ऑफ देखा जा सकता है। सो फाइनली ये एक जनरलाइज कट ऑफ है जिससे आपको कम से कम तसल्ली मिल जाएगा, आप चिंता मुक्त हो जाओगे कि हाँ फाइनली आपको इस कोर्स में, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने जा रहा है। बाकी हर एक सब्जेक्ट्स का, हर एक कोर्स का, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए जो पर्टिकुलर कट ऑफ वीडियो है वो आपके डिमांड, आपके कॉमेंट बेसिस पे हम लोग वन बाई वन करके आप तक पहुंचाएंगे। सो फाइनली इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने हर एक दोस्त को शेयर कीजिए, अपने हर एक सहपाठी को, अपने हर एक फ्रेंड को बताइए कि आप इस वीडियो को देखिए और अपना जजमेंट करिए, अपना खुद एक निर्णय लीजिए कि हाँ आपका कितना मार्क्स आ रहा है और आपको पर्टिकुलर इस कोर्स में, पर्टिकुलर किस यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन मिलने जा रहा है। सो फाइनली आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं सीयूटी पाठशाला और आज जो वीडियो है यह सीयूटी यूजी 2023 के लिए ऑल कोर्सेज, ऑल यूनिवर्सिटी के लिए एक जनरलाइज्ड कट ऑफ वीडियो। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहां पे आपको ध्यान देना है कि आपकी मार्किंग पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, वो पर्टिकुलर कौन कौन से सेक्शन है, वो कितने नंबर के हैं जो कि काउंट होने वाला है आपके पर्टिकुलर कोर्स के लिए, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, आप सभी को पता है कि हम लोगों ने जो पेपर दिया था उसमें 3 सेक्शंस थे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 फॉर लैंग्वेज, सेक्शन 2 फॉर योर डोमेन्स एंड सेक्शन 3 एज अ जीटी जनरल टेस्ट। बहुत सारे कोर्स में हर एक सेक्शन की रिक्वायरमेंट रही है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कोर्स में शायद सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3 की रिक्वायरमेंट रही हो, किसी कोर्स में बस सेक्शन 2 की रिक्वायरमेंट रही हो। मैंने हर एक कोर्स को यहाँ पे जनरलाइज किया है तो आप बिल्कुल एकदम टेंशन मत लो, हर चीज को बहुत आसानी से समझ सकते हो। लैंग्वेज जो था वो 40 क्वेश्चंस था, ईच क्वेश्चंस कैरी 5 मार्क्स और इस तरीके से आपका जो टोटल मार्क्स हो जाता है वो हो जाता है, ठीक है, एक मिनट, ओके, जुगाड़ू स्टूडियो में यही होता है। सो फाइनली 200 मार्क्स का, और हम लोग अगर डोमेन की बात करें तो वो भी 40 मार्क्स का, ईच क्वेश्चंस करीब 5 मार्क्स और हो जाएगा 200 मार्क्स का। और जनरल टेस्ट की बात करें तो यहां पे आपको अटेम्प्ट करने थे 50 क्वेश्चन और आपका टोटल हो जाता है 250 मार्क्स का। ठीक है, सो फाइनली ये एक जनरल आपको मार्किंग स्कीम समझना है जिससे कि आगे आपको निर्णय करने में आसानी हो। अब आते हैं हम लोग स्लाइड नंबर 3 पे, जो कि मैंने हर एक कोर्स को लगभग यहाँ पे एज अ कट ऑफ दिखाने की कोशिश की है। चाहे आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आते हो, चाहे आप साइंस में जाना चाहते हो, चाहे आप लॉ में जाना चाहते हो, आप कॉमर्स में जाना चाहते हो, सभी कोर्स के लिए यहाँ पे कट ऑफ मैंने बनाया है। बहुत सोच के बनाना पड़ा क्योंकि अब एक ही वीडियो में हर किसी को मैनेज करना, थोड़ा निकल चीजों को समझाना और समझना और उसको लिखना थोड़ा सा हार्ड था। सो फाइनली आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझना थोड़ा सा रीजनिंग बेसिस पे, ओके, जैसा आपने अपने जीटी पेपर में सॉल्व किया था। यहाँ पे आर्ट्स में आप देख रहे होंगे मैंने ऊपर ही लिखा हुआ S1 एंड S3, इट मींस कि ये उन यूनिवर्सिटी के लिए है जहां पे आपको BA करने के लिए S1 यानी एक लैंग्वेज लेना था और S3 मतलब आपको GT लेना था, और आपका टोटल मार्क्स हो जाता है 450 यानी 200 और 250, और आपका हो जाता है 450। 450 में मैं यहाँ पे लिखा हूँ 70%। कहने का मतलब ये है कि आप इस टोटल मार्क्स से अगर 70% ले आए हो तो आपको एकदम निश्चिंत हो जाना है, आपका एडमिशन होना तय है किसी भी सेंट्रल विश्वविद्यालय में। ठीक है, मैं आपको अभी फोकस भी करूंगा, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का भी कट ऑफ इसी वीडियो में दे रहा हूँ, प्लीज परेशान मत होना। अभी स्लाइड आके बाकी है, अभी 6 स्लाइड है, 3 स्लाइड और है, तो और 300 प्लस या आप 300 प्लस अगर पा रहे हो तो इसका मतलब आपको लंबी सांस लेनी है और आपका एडमिशन होने जा रहा है किसी भी डिजायर्ड और ड्रीम यूनिवर्सिटी एज अ BHU इलाहाबाद और बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप बहुत अच्छे समझ गए हो कि नहीं। अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि सर 300 के नीचे आएगा तो क्या एडमिशन नहीं होगा, भाई आपका भी एडमिशन होगा, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अभी ये जनरलाइज एक बहुत ही
हाई कट ऑफ पे मैं वीडियो बनाया हूं। कहने का सेंस ये है कि इसमें होना मतलब एडमिशन होना है, बाकी ये कट ऑफ कई राउंड में जाते हैं, 10 राउंड लगभग चलते हैं भाई, एक महीना कट ऑफ ही आता रह जाता है, 20-25 दिन में कोई शक नहीं है। सो ऐसे में प्लीज आप लोग ये समझ लो कि इस वीडियो से अपने आप को जज मत करने लगना, क्योंकि ये तो आपके डिमांड पे मैं आपको चिंता मुक्त करने के लिए वीडियो ले आया हूं। मेरी बात समझ रहे हो ना, आप तो अच्छे दोस्त हो मेरे। अब यहां पे मैंने यहां पे एक कोर्स का लिखा हुआ है कि उसमें आपका S1, S2 एंड S3 ऑल सेक्शंस पार्टिसिपेटेड, इट मींस कि आपका लैंग्वेज भी आएगा। ये है जुगाड़ू स्टूडियो का, सॉरी क्या बताएं यार, माफ करना, माफी चाहूंगा। अभी मैं बात कर रहा था जिसमें तीनों सेक्शन इन्वॉल्व हो जाते हैं, मींस S1, S2 एंड S3, समझ रहे हो, मतलब लैंग्वेज भी आएगा, डोमेन भी आएगा और GT भी आएगा। और इस तरीके से आप देखोगे एग्जांपल के तौर पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, 2 डोमेन, 1 लैंग्वेज, 1 GT, पूरा काउंट करते हो तो 200 200 200 एंड 250 टोटल हो जाता है आपका 850 मार्क्स। 850 में लगभग आप 60% प्लस जाते हो तो आपका FMC जैसे मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में एडमिशन होने के चांसेस है। ऐसा नहीं कि बस इलाहाबाद ही सेक्शन की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने इस तरीके से रिक्वायरमेंट रखी है कि वो 2 GT लेंगे, सॉरी 1 GT लेंगे, 2 डोमेन लेंगे और 1 लैंग्वेज लेंगे। तो आपको यहां पे चिंता मुक्त ये हो जाना है कि अगर 500 प्लस आपका आ रहा है तो आपको एडमिशन मिलने जा रहा है फाइनली, ठीक है। और ध्यान देना कि ये एक जनरलाइज कट ऑफ है, तो इसमें मैंने कैटेगरी को इन्वॉल्व नहीं किया है, कहीं ना कहीं ये जनरल ओबीसी को सेटिस्फाई करता है। अगर मैं ST SC को ला दूं इसमें तो ये कम से कम 100 नंबर और घट जाएगा, ST SC को 100 नंबर कम पे और एडमिशन मिलेगा। अभी मैं और आपको कम करके बता दूं, अगर यही मैं एफिलेटेड को ऐड करता हूं तो इसमें हर किसी को 100 नंबर और घटा दो। कहने का मतलब ये है ना कि बस आपको निराश नहीं होना है, अभी बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये कटाप बहुत घटता है, पहला कटाप बहुत हाई जाता है क्योंकि देखो उसमें टॉपर्स होते हैं, पहला कटाप जाना भी चाहिए भाई, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, 1500 बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं लेकिन वो कई यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है ना कि पूरे देश के बच्चे BHU में पढ़ना चाहते हैं या बस DU में पढ़ना चाहते हैं, ये बच्चे क्या है ना जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग कटाप ओपन होने लगता है ये भागने लगते हैं, इसमें से 100 भाग के उसमें चले गए, उसमें से 100 भाग के इसमें आ गए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको लास्ट समय तक रुके रहना है, ठीक है। अब अगर हम लोग साइंस में देखें तो S1, S2, S3, कहने का मतलब ये है कि यहां पे बस सेक्शन 2 के 3 डोमेन रखे गए हैं और टोटल हो जाता है 600, और उसमें से अगर 400 प्लस में हो तो आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका एडमिशन होने जा रहा है, ठीक है। और जैसे अब एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में क्या है, 2 डोमेन यानी फिजिक्स केमिस्ट्री या एग्रीकल्चर बायो जो भी रहेगा और 1 GT, और ये तीनों मिला के आपको 650 मार्क्स, 650 में अगर आप 500 प्लस में हो तो आपके एडमिशन होने की संभावना है। ये बस BHU के लिए नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर इस तरीके की रिक्वायरमेंट है तो ये लगभग आपके कट ऑफ के आसपास है, आप चिंता मुक्त हो सकते हो क्योंकि ये बच्चे फेर बदल करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, जैसे कि ये बच्चे जो है इस कोर्स में भी जा सकते हैं, इस कोर्स में भी जा सकते हैं, इस कोर्स में भी जा सकते हैं, इस यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं, ये बच्चे अप डाउन करेंगे भाई, ये बच्चे अप डाउन करेंगे, समझ रहे हो मेरी बात ना। प्लीज आप लोग इस चीज को समझो कि ये बच्चे ऐसा नहीं है कि बस एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए ही फोकस्ड है, ये बच्चे जैसे ऑप्शन मिलेगा ना इसमें 50% बच्चे जो है वो टाइम टू टाइम माइग्रेट करेंगे जैसे जैसे उनके कट ऑफ रिलीज होंगे। इसीलिए बोल रहा हूं आपको पेशेंस रखना है। वन ऑफ द लास्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट जो कोर्स है वो है लॉ, जैसे कि 5 ईयर्स BLLB हर एक यूनिवर्सिटी में लगभग ये रन करता है, कहीं पे BA BBLLB, कहीं पे LLB BALLB के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखा होगा कि एक लैंग्वेज भी बोले होंगे, एक लीगल भी बोले होंगे और आपके लिए एक GT भी रहा होगा, टोटल आपका हो जाता है 650 मार्क्स। 650 में अगर आप 500 या 450 के आसपास हो, ये 450 मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो सीटें बहुत कम है तो यहाँ पे मैंने ST कैटेगरी को मिला दिया है, मतलब कि 500 से 450, मतलब ST कैटेगरी तक अगर 450 है तो आपको एडमिशन मिलने की पूरी संभावना है। एज अ जनरल कम से कम 550 रहोगे तो आपको एडमिशन मिलने की पूरी संभावना है, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैंने एक दूसरा कट ऑफ लाया है, वो है इलाहाबाद के लिए। अगर 500 से देखो 500 जनरल वालों के लिए, लेकिन 250 ST कैटेगरी तक आपको एडमिशन मिलने की संभावना है। ये तो रहा एक जनरलाइज कट ऑफ, अब आप कमेंट करके बताओ कि कौन कौन बच्चे हैं जो इस पर्टिकुलर को कट ऑफ के अकॉर्डिंग किसी यूनिवर्सिटी में अपने आप को देख रहे हैं कि उनका एडमिशन हो सकता है, पहले मुझे कमेंट करके बताइए। प्लीज आप ये भी कमेंट करिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, मैं आज पूरे दिन बैठ के और मैं अपने कुछ मेंबर्स को बोल दूंगा, वो आपके कमेंट की रिप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द कमेंट करने का तरीका। देख लो, अपना नेम लिखो, अपने डिजायर्ड यूनिवर्सिटी लिखो, कौन कौन सा एग्जाम दियो, टोटल कितना मार्क्स आ रहा है, अगर इस तरीके से फ्रेम करके अपना कमेंट करते हो तो आपको लास्ट में बहुत अच्छा सा आंसर मिलेगा कि हाँ आपका इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने जा रहा है, ठीक है।
हम लोग एस्टिमेटेड आपको आराम से एक गेस करके बता सकते हैं। सो फाइनली आप कमेंट करिए इस वीडियो में, ठीक है। और ध्यान दीजिए कि ऐसा एक ही यूनिवर्सिटी, एक ही वीडियो में इस पूरे पर्टिकुलर कोर्सेज पूरे यूनिवर्सिटीज को ऐड करके वीडियो नहीं मिलेगा। सो प्लीज इसको शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाले में जो ऑफिशियल कटऑफ्स रिलीज होंगे BHU इलाहाबाद DU की, वो सब आपको देखने को मिल सके। सो प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। अब बात करते हैं पर्टिकुलर कोर्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि BHU का। आपको पता है कि मैंने कुछ दिन पहले BHU BA का अनऑफिशियल कटऑफ बनाया था, जो कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये BALLB का है। BALLB में देखो मैंने 560 मैंने लिखा ना, कि जनरल को थोड़ा ज्यादा, लेकिन आप वही ST देखो 450 जो अभी मैंने आपको दिखाया। तो कहने का सेंस ये है कि ये एक लगभग फर्स्ट राउंड कट ऑफ है, इसमें बहुत कम फेरबदल होगा। देखो BALLB में मैं ज्यादा डाउट नहीं रखता, क्योंकि BALLB जो है वो बहुत ही ज्यादा राउंड आ नहीं पाते भाई, 70-75 सीटें हैं, तो कहां से ज्यादा सीटें उसमें आ पाएगा राउंड, ठीक है। अगर हम लोग वही BA की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो BA का एग्जाम दे रहे होंगे, तो प्लीज आप लोग देखो कि आप जनरल के लिए 75 क्वेश्चन प्लस, जैसा मैंने वहां पर लिखा 70%, ठीक है, 72, 74, 52 और 45, ये FMC के लिए है, ये चीजें घटेंगी। जैसे मैंने यहाँ 75 लिखा है तो ये 60 भी हो सकता है, 72 लिखा है तो ये 55 भी हो सकता है। ये कब हो सकता है, जब इसमें हम लोग एफिलेटेड को जोड़ेंगे, खासकर लड़कियों के लिए तो आराम से घटेगा भाई, लास्ट में ओपन काउंसलिंग आ जाती है। कहने का मतलब ये है, जिसको एडमिशन लेना है वो आ जाओ। आपको लगेगा सच में सर आप ऐसा बोल रहे हो, भाई ऐसा मैं सच में ऐसा बोल रहा हूं, लेकिन आपको पेशेंस रखना है, लास्ट समय तक मेरे वीडियोस देखते रहने। मैं आपको सजेशन करूंगा कि अगर आप एकदम सोच ही लियो कि आपको बनारस में आके पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए मैं आपको बहुत सारे रास्ते दिखा सकता हूं। उसी तरीके से हर एक शहर में जाके पढ़ने के लिए कई रास्ते दिखेंगे, लेकिन आपको पर्टिकुलर एक सही आदमी को फॉलो करना पड़ेगा, जो इन सब चीजों के लूप्स को बताए कि हाँ भाई देखो यहाँ पे एक लिंक है, यहाँ पे एक रास्ता है, उसको फॉलो कर लो आप, ठीक है। तो ये कुछ BA का FMC के लिए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना FMC के लिए कट ऑफ है भाई। यहाँ पे 4-5 एफिलेटेड कॉलेज है, BCW है, BKM है, AMPG है, RGSC है, AMMB है, इंटीग्रेटेड कॉलेज, तो बहुत सारे ऑप्शन है। आपको बस पेशेंस रखना है और अपने मार्क्स से थोड़ा भी दुखी नहीं होना है, क्योंकि आपके मेहनत का परिणाम है भाई, अपने ही कर्मों को क्यों, आपने तो मेहनत करा ना, बात खत्म करो। और हाँ, आप इस गलतियों से अगर कुछ सीख सकते हो तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप दुखी मत हो, दुखी होने के चांसेस भी बहुत कम मिलते हैं जीवन में, जैसे खुशी होने के चांसेस कम मिलते हैं, ठीक है। तो मैं तो कहता हूं कि अपने अनहैप्पीनेस को, अपने बैड टाइम को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए कि चल भाई ठीक है, अगला समय आएगा उसको हम लोग इंजॉय करेंगे। तो फाइनली अपनी गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। और जो बच्चे नए सेशन की तैयारी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, हमारे यहाँ कोर्स स्टार्ट हो रहा है 10th of July से, इसी 10 दिन बाद आप वहां पे आके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो, बहुत ही जेन्युइन फी में 1500-1500 में अपनी तैयारी कर सकते हो भाई, पूरे साल भर। सो फाइनली आप ज्वाइन करें CUET पाठशाला फॉर BALLB, फॉर BSc, फॉर BCOM, फॉर ऑर्ट्स, बहुत सारे कोर्सेज हमारे रन कर रहे हैं, PG के ऑलमोस्ट कोर्स रन कर रहे हैं, आप वहां पे आके कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, प्रॉपर जो भी चीजें हैं वो सजेस्ट की जाएंगी, आप उसको फॉलो करिए और नए सेशन के लिए आप प्रिपेयर होइए। और निराश नहीं होना है, ध्यान दीजिएगा कि हर कोई 1 साल 1.5 साल का 2 साल का गैप करता है, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन बाकी अगर आप इस पर्टिकुलर जितने भी मैंने सेक्शंस बताए हैं, अगर इन सब कोर्सेज में आ रहे हो, इन सब